हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अयाना किचन एंड लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे हैदराबादी स्टाइल नली निहारी रेसिपी। तो नली निहारी रेसिपी बनाने से पहले मैं आप लोगों को इसका क्लीनिंग प्रोसेस बताऊंगी। देखिए, इसका क्लीनिंग प्रोसेस कुछ नहीं है, बस मैंने यहाँ पर आटा लिया है, व्हीट फ्लावर जिसे कहते हैं, उसे अच्छे से रब कर रही हूँ मैं। 3 to 4 वाटर वॉशेस दिया है मैंने, अच्छे से रब करिए। देखिए, ये भुनकर तो आ जाता है, इसके हेयर यूजुअली निकल जाते हैं अच्छे से, बट हमें इसे व्हीट फ्लोर से अच्छे से रब करते हुए वॉश करना चाहिए ताकि इसमें स्मेल भी ना रहे। देखिए यहाँ पर आप अच्छे से कैसे वॉश किया है मैंने, एकदम क्लीन लग रहा है, ना इसमें स्मेल रहेगी ना थोड़ा सा भी ब्लड रहेगा। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ और बनाते हैं नली निहारी रेसिपी। देखिए, रात में मैंने यहाँ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक जिसे कहते हैं, सॉल्ट, नमक जिसे कहते हैं, टर्मरिक पाउडर, हल्दी, नमक, मिर्च, ये सारे स्पाइसेस डाल के मैंने इसे रात, असल जिसे इसे समझने का ये प्रोसेस है कि मैंने इसे रात में ये सारे स्पाइसेस डाल के एक घंटा मैंने इसे पका लिया है। एक घंटा पका कर मैं इसे ढाप कर रख दूंगी, फिर इसका प्रोसेस हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर, नमक, कबाब चीनी, जैसे हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, ऑयल, और मेरे पास बड़ा हुआ वाला मग है, उसी को यूज़ करके मैंने 2 मग पानी डाला है। तो इस तरह डाल के हम लोग नाइट में इसे 1 घंटे के लिए पका लेंगे। नाइट में मैंने इसे 1 घंटे के लिए पका लिया है, फिर उसके बाद लिड कवर करके रख दिया था। फिर नेक्स्ट डे मैं ये पका रही हूँ। देखिए आप, जैसे कि अब मैं यहाँ पर फिर से मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने इसे पकाने के लिए स्टार्ट कर लिया है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने खुले चने की दाल का पाउडर लिया था। खुले चने की दाल के पाउडर में मैं यहाँ पर थोड़ा सा वाटर यूज़ करके इसका पेस्ट बना लूँगी। देखिए, इसमें लम्स ना रहे, अच्छे से इसका पेस्ट बना लीजिए। अब यहाँ पर मैं ये पकती हुई नहारी में मीडियम फ्लेम पर मैंने पकने के लिए रखा है, उसी में पकती हुई नहारी में मैं यहाँ पर खुले चने दाल का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं हम यहाँ पर हरा मसाला डालेंगे। खुला चना पाउडर यूज़ किया था मैंने, उसका पेस्ट डाल दिया। अब यहाँ पर हरा धनिया डालेंगे, जैसे कि कोरिएंडर लीव्स, मिंट लीव्स, ग्रीन चिलीज, कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्च, ये तीनों डाल दिए बाद हम यहाँ पर फूल पत्ता यूज़ करेंगे, वो भी डाल दिया है मैंने। अब फिर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर एंड निहारी पाउडर, ये 2 स्पाइसेस भी हम डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मॉर्निंग का प्रोसेस है। देखिए, मैंने ओवरनाइट का प्रोसेस भी बता दिया है आपको, लाइक ओवरनाइट कैसे रखना है, नाइट में 1 घंटा पकना है हमें इसी तरह। फिर उसके बाद ये मॉर्निंग प्रोसेस है, ये हम मॉर्निंग प्रोसेस में देखिए ऐसे स्पाइसेस ऐड कर दिए थे रात में, उसके बाद ये मॉर्निंग में इस तरह से हम कर लेंगे। अब देखिए, इसके मैं 15 to 20 मिनट्स मैंने पकने रख दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक अनियन लिया था, उसे स्लाइसेस में कट कर लिया है मैंने ऑयल डालकर। अब मैं इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लूँगी। मैंने यहाँ पर अनियन को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर दे दिया है। देखिए आप, इस तरह से मैंने खुले में अच्छे से खुला खुला अच्छे से अनियन को फ्राई कर लिया है। उसके बाद जैसे ही नहारी के बीच पकने में आप ये अनियन इसकी बघार दे सकते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने बघार दे दिया है अनियन की, ये बघार दी हुई के बाद आप इसे 10 मिनट्स पकने रख दीजिए। 10 मिनट्स के बाद आप इसे चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इसे 10 मिनट्स के बाद यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। देखिए, परफेक्टली कुक्ड है, सॉफ्ट, एकदम अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए ये, देखिए हमारी नहारी रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आप कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं मुझे नहारी के लाइक रेसिपी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।